करेंगे कि जो भारत में कंपनी है वो अपने जो संस्थान सर उसका निर्वहन किस प्रकार से करती है और कब कर सकती है। भारत में कोई भी कंपनी जिसका निर्माण भारतीय कंपनी ने 2013 के अंतर्गत हुआ है वो अंशों का निर्वहन तीन प्रकार से कर सकती है, सममूल्य पर, एट पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। एट पार का मतलब होता है मान लीजिए कि कोई भी अंश है उसकी जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है, अंकित मूल्य 100 रुपए है, उसको इश्यू प्राइस भी वह 100 रुपए ही रखती है, मतलब सममूल्य पर उसका निर्गमन कर रही है। दूसरा होता है डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए 100 रुपए है इसका 100 रुपए भी निर्गमन होगा इश्यू प्राइस, डिस्काउंट है 100 रुपए का अंश है कंपनी 4 रुपए पे अंशों का निर्गमन कर रही है, 5 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। और तीसरा होता है प्रीमियम, प्रीमियम पर 100 रुपए का अंश है प्लस 5 रुपए वह प्रीमियम के लिए। वर्तमान में कंपनी अपने शेयरों को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है और 2013 से पहले ये नियम था कि कोई भी नई कंपनी अपने शेयर का जब तक प्रथम निगमन किया हुआ उसका पहले का अगर कोई शेयर इशू कर रही है तो वह डिस्काउंट इशू नहीं कर सकती थी, सिर्फ एट पार पे या प्रीमियम से कर सकती है। कंपनी अपने अंशों का निर्गमन प्रीमियम के इसलिए करती है तो बाजार में अपनी शान दिखाना चाहती है कि मार्केट में शेयर की इतनी वैल्यू है कि अगर मैं 100 रुपए की चीज को 110 या 120 रुपए बेचता हूँ तो भी वह बिक जाती है, मतलब उसकी एक प्रकार से गुडविल का साइन होता है अगर वह प्रीमियम पे इश्यू करती है। अपन आज एट पार पे अंशों को निर्गमन के संबंध में जनरल परीक्षा देखेंगे कि अपन किस प्रकार से अंशों का निर्गमन करते हैं, उसकी कंपनी पुस्तकों में किस प्रकार एंट्री करती है। एक गंभीर क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, एक कंपनी है जो अपने 10,000 इक्विटी अंशों को, इक्विटी शेयर्स को जो एट द रेट 100 रुपीज के हैं उनको निर्गमन कर रही है और इशू प्राइस वह रख रही है, इशू प्राइस रख रही है वो 100 रुपए, एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 25 रुपए, मतलब इशू प्राइस की हो गई 100 रुपए, मतलब वह एक पास से कंपनी अंशों का निर्माण कर रही है। किसी भी कंपनी को अंशों का निर्माण करने से पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी अंशों का वह निर्माण कर रही है उसके लिए न्यूनतम अभिदान उसको प्राप्त हो चुका हो, 90% जब तक अगर उसको एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुई है तो वह अंशों का निर्माण नहीं कर सकती है, उसको न्यूनतम 90% एप्लीकेशन प्राप्त होगी तभी वह निर्माण कर सकती है, अगर उससे कम एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो कंपनी अंशों को निर्माण करने के लिए पुनः अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, उस अधिसूचना पर निर्माण नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के लिए कंपनी को कोई भी एक बैंक अधिसूचित बैंक निर्गत करना पड़ेगा जिसके अंतर्गत एप्लीकेशन की जाएगी और एप्लीकेशन वहीं जमा कराई जाएगी। तो अंशों के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि सबसे पहले पैसा प्राप्त होगा बैंकों और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अपने पास 10,000 से 25 रुपए एप्लीकेशन मांगे तो कितने हो गए, मान लीजिए 10,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, एप्लीकेशन रिसीव 10,000, तो 10,000 की एप्लीकेशन 25 रुपए के साथ हो गए 2,50,000। नए शहर में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी
रिसीव, ये अपनी पहली एंट्री जिस दिन अपन एप्लीकेशन बंद करेंगे उस तारीख को। दूसरी एंट्री जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही सेम 2,50,000 रुपए की। इसमें यह चीज ध्यान देने योग्य है कि कभी भी एप्लीकेशन मनी में फॉल्स एरर नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले पैसा पास किया जाता है उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद जो भी अपन मांग करेंगे और कोई भी मांग है उसमें कम से कम 14 दिन का अंतर रहेगा, उसमें 14 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको प्राप्त करने का। ऐसे नहीं कि अपन कंटिन्यू एक दिन बाद दूसरी मांग कर ले, कम से कम 14 दिन का टाइम दिया जाता है। उसी तारीख को अपन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे जिस तारीख को अपन एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो अमाउंट इतनी होता है कि अपन कैसे इशू कर रहे हैं उसमें तो अपन पता नहीं रहता। इस तारीख को पता रहता है कि अपने पास एप्लीकेशन प्राप्त हुई है अपने शेयरों को जनता में, या जो भी अन्नदाता इसमें नियोजन करना चाहते हैं निःशुल्क करना चाहते हैं उनको अपन देंगे। तो अलॉटमेंट मनी क्यों कर देते हैं अपन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 की मांग आई थी तो 10,000 रुपए के हिसाब से 5,00,000 रुपए अपन ड्यू कर देते हैं। अपन ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, अतः सिंपल क्वेश्चन में अपने पास किसी प्रकार की कोई फॉल्स एरर नहीं है, इसलिए जो भी अपन ने अलॉटमेंट पे ड्यू किया है वो पूरा का पूरा पैसा आपको प्राप्त होगा। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर किसी प्रकार की कोई कॉन्सिडर रहती है, मतलब कोई अंशधारी है वह अगर मांग पे चुकाता नहीं है, तो जो अलॉटमेंट अकाउंट दिया है और जो सीआर किया उसका डिफरेंस ही अपनी कॉन्सिडर रहेगी। कुछ लेखकार ये चाहते हैं कि कॉन्सिडर के लिए एंट्री हो तो अपन कॉन्सिडर अकाउंट दिया जैसे किसी में एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट दिया कॉन्सिडर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट अकाउंट होगा तो रहेगा पर कॉन्सिडर का अकाउंट खुला रह जाएगा। परंतु उसका ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहे कि कॉन्सिडर की एंट्री करनी है तभी करनी है, अन्यथा जो डिफरेंस रहता है जितना भी दिया प्लस रहेगा अलॉटमेंट अकाउंट का वही अपनी कॉन्सिडर रहेगी। जब 14 दिन के बाद भी कंपनी में अपने फर्स्ट को मांगेगी तो अपन कहेंगे ड्यू करेंगे, तब करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 रुपए थे 2,50,000 2,50,000। मान लीजिए कि दो संस्थाधारक था, उसने फर्स्ट कॉल को फेल नहीं किया, तो उसकी छोड़ के बाकी पैसे प्राप्त हो गए, तो 200 पे 25 रुपए के साथ ही 5,000 रुपए कंसीडर कर जाएंगे और बाकी अपन बैंक से प्राप्त कर लेंगे। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,000 रुपए कॉन्सिडर रहेगी, तो पैसे कितने प्राप्त थे अपन को, कितने पैसे प्राप्त थे 2,45,000। इस प्रकार से अपन एक सामान्य रूप से अगर एक बार पे कोई भी कंपनी शेयर को इशू करती है तो इस प्रकार की जनरल पॉलिसी की जाएगी। थैंक यू।